हेलो हाँ, राहुल बेटा जी। डैड बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या बात है डैड? हाँ, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो बेहोश हो गई है। हमने बहुत कोशिश की उसे होश में लाने की, लेकिन डॉक्टर आ रहा है, तुम भी आ जाओ। हाँ 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 डैड, मैं अभी निकल रहा हूँ, आप फिक्र मत करिए, बस अभी निकल रहा हूँ। बराद, हाँ सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी निकल रहा हूँ। अवस्थी साहब को प्लीज बता दीजिए। थैंक यू। ये बेहोश होते वक्त कहीं गिरी तो नहीं थी? नहीं डॉक्टर। ओके माँ जी, आपको किसी किस्म की तकलीफ हो तो मुझे बताएं। माँ को क्या हुआ? अचानक बेहोश हो गई थी। हम पड़ोस वालों की शादी में गए थे, आंचल यहां थी, किसी ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। अब माँ कैसी है? अब अच्छी है। माँ ऐसे क्यों देख रही? ये क्या हो रहा है? माँ ऐसा क्यों कर रही है? इनफैक्ट माँ जी अभी भी प्रेम को याद करती है, वो उसे भूली नहीं है। और जब जब वो प्रेम को याद करती है, उन्हें सगाई में हुए हादसे की भी याद आ जाती है। आंचल को देखकर भी उन्हें प्रेम की याद आती होगी। देखिए, इन्होंने जो अभी किया उससे तो यही लगता है कि माँ जी आंचल की शादी देखना चाहती। प्रेम की खुशी आंचल के साथ शादी करने में थी। माँ जी प्रेम की खुशी के लिए आंचल को शादी देखना चाहती है। अगर आंचल की शादी हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद माँ जी मारे खुशी के रोने लग जाएं और इस सदमे से बाहर आ जाएं। यस। बाबूजी, बाबूजी, भाई साहब आइए, बाबूजी अपनी अपनी तकदीर का हाल जानिए। हाँ मैम साहब आइए, ये ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बाबूजी आइए, मैम साहब आइए, तेजी मंदी आप अपना बाबूजी आइए, आप अपनी तकदीर का हाल जानिए। आइए बाबू साहब बैठिए। देखो आप मुझे देख करके रुके हैं बाबू साहब, ये भी तकदीर की बात है। बैठिए बैठिए। क्या पता आज आपका नसीब आपको कुछ बताना चाहता हो, ऊपर वाले ने आपके लिए इशारा किया है। हाँ हाँ किया है, किया है। वो ये लीजिए, ये लीजिए।
उसकी बात को ठुकरा के मत जाइए बाबू साहेब। क्या हुआ? क्या माथे का त्रिपुण, जरा हाथ दिखाइए। एक मिनट, एक मिनट। ओहो, चमक रहा है ना? ईश्वरम यत करोति शोभनम करोति। मतलब? ए ग्रेड का हाथ है बाबू साहेब आपका। ए ग्रेड का? मतलब कैसे? हाथ तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, ए बी और सी। सी? हाँ। आपका हाथ और चेहरा देख करके बाबू साहेब मालूम होता है क्या बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है, हमेशा दूसरों के सुख दुख में काम आने वाले। लेकिन क्या है बाबू साहेब, आपके घर में आपको कोई ठीक से समझ नहीं पाता। चिंता करने की बात नहीं है बाबू साहेब, आपके हाथ बालों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब आदमी का नसीब चमकता है ना, तो सब लोग देखते रह जाते हैं। अब देखिए बाबू साहेब नसीब कैसे चमकता है। अब देखिए बाबू साहेब इसमें है क्या आपकी तकदीर। ओह, मैं पहले ही कहता था ना बाबू साहेब कि ऊपर वाले ने आपके लिए इशारा किया है। क्या क्या लिखा है इसमें? सब ठीक तो है ना? ठीक है बाबू साहेब, मैंने पढ़ लिया। इतना ठीक है कि आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। बहुत जल्द आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है बाबू साहेब। आपके जीवन में कोई है जो आपको तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएगा। आपकी मंजिल तो कुछ और है बाबू साहेब। ये सड़कों पर जूते घिसने के दिन अब गए आपके। बहुत जल्द आपके जीवन में ऐशो आराम की हर चीज उपलब्ध होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। मोटर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब। और एक और बहुत बड़ी बात बाबू साहब, आपने जिंदगी में जितना स्ट्रगल किया है सारा दर्द भूल जाएंगे आप। 2 महीने के अंदर अंदर आपका भाग्य इस तरह पलटेगा कि आप याद रखेंगे। बाबू साहेब आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप सच कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आपकी तकदीर कह रही है, आपका नसीब कह रहा है। सफलता और कामयाबी तो आपके कदम चूमेगी बाबू साहेब। दिन में 18-18 घंटे तक आप बिजी रहेंगे। और देखना, जो लोग आज आपको मुड़ करके देखना भी नहीं चाहते, कतार में आपके इंतजार में घंटों खड़े रहेंगे, घंटों। बाबू साहेब क्या तकदीर पाई है आपने। आपका नसीब 2 महीने के अंदर अंदर इस तरह से पलटेगा कि बस देखते रहना। मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई है बाबू साहेब। वो ये और रख लीजिए पंडित जी। तो धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार करता हूँ। बाबू साहेब आप बड़े आदमी बनेंगे, हमें भी याद रखिएगा। गाड़ी रोककर कभी कभी बात कर लिया करना। ठीक है ठीक है। रिंकी बंटी तुम लोग कपड़े चेंज करके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। Oh God, क्या मेस है। हाय हाय। अरे तुम इतने जल्दी आ गए। हाँ। चाय बनाती है तुम्हारे लिए। रुको रुको, चाय में बाद में। बैठो 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 बैठो। पता है आज क्या हुआ? घर लौटते वक्त मैंने क्या बेटा? मम्मी मेरी फ्रॉक कहाँ रखी है? वही पलंग पर रखी है। वो वाली नहीं, लाल वाली। और मेरा वीडियो गेम भी नहीं दिख रहा है। अरे वही रखा होगा, जरा ध्यान से देखो। हर छोटी बात के लिए मम्मी को तंग करना जरूरी है? रहने दो ना, एक मिनट मैं उसको ढूंढ कर देती हूँ। हाँ? बाद में तुम्हारी बात सुनती हूँ और चाय भी साथ में पियेंगे। ओके। एक मिनट भी इस घर में कोई चैन से बात नहीं करने देता। हाँ। कहो क्या कह रहे थे ऑफिस से लौटते वक्त? क्या हुआ? आज मैंने उसे देखा। मैं तो उसे रोज आते जाते देखता हूँ, इन लोगों पर मुझे रत्ती भर भी यकीन नहीं है, पर मम्मी आज उसने जो कहा ना वो क्या है। एक मिनट चैन से बैठने नहीं दोगे? रिंकी गई, तुम आ गए, बताओ भी क्या है। मम्मी कल टेस्ट है, उसका रिवीजन करना है, होमवर्क बुक भी नहीं मिल रही है। लो अब होमवर्क बुक कहाँ रखा है ये तुम्हें पता होना चाहिए या मम्मी को? मम्मी से ही होमवर्क करवाना, या तुम कहो तो मम्मी चली जाया करेगी स्कूल में तुम्हारी जगह।
रहने दो ना, क्यों चिढ़ते हो? एक मिनट में उसको होमवर्क बुक ढूंढ के देती हूँ, और उसका टेस्ट है कल, तो उसकी रिविजन भी करवानी है। ऐसा करते हैं, तुम्हारी बात में रात को सुनती हूँ, हाँ प्लीज। चलो, तुम्हारी होमवर्क बुक ना बेटा, होमवर्क क्या था ना, सुबह आ जाओ, इसके अंदर ही होगा। ओ हाय, आई एम सो ग्लैड कि आपने आज मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। यूं तो हम एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं, पर फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ आज तक। I'm Gaurav. I'm Vedi. Oh, wow. जितना खूबसूरत चेहरा उतना ही अच्छा नाम। बताएं आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगी मुझे, कि आप औरों से अलग हैं। आप रेडियो स्टेशन में काम करती हैं, दूसरी लड़कियां तो देखो तो कोई बुटीक चला रही है, तो कोई ब्यूटी पार्लर, बट नॉट यू। यू वर्क फॉर अ टोटली डिफरेंट फील्ड। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप तो मेरा ख्याल है काफी समय से रेडियो प्रोग्राम्स करती होंगी। जी 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 हाँ। आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आप वोकेशनल गाइडेंस से लेकर लोगों की प्रॉब्लम्स तक सॉल्व करते हैं। सच पूछिए तो वो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ सोचने लग गई? मैं सोच रही थी कि अगर हम यहाँ काम की बातें ना करके कोई दूसरी बातें करें तो बेहतर होगा। यस ऑफ कोर्स। मैं भी एक प्योर फैन की तरह आपसे आपके प्रोग्राम्स के बारे में बात करने लगा। मैं तो आपके बारे में जानता हूँ। आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूँ। अपना एक ऑफिस है टाउन में। बिजनेस इज डूइंग क्वाइट वेल, फ्लरिशिंग। म्यूजिक का थोड़ा शौक है, और आजकल जब से आपको देखा है तो एक नया शौक चढ़ाया है, रेडियो प्रोग्राम सुनने का। ओ देखिए, हम लोग ऐसे ही बातों में लग गए, खाने के बारे में भूल गए। वेटर, क्या हुआ भाई, जल्दी जरा। सो गए बच्चे? हाँ सो गए। क्या हुआ? आई एम सॉरी राजेश, शाम को तुम ऑफिस से घर आए और तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। तुमने बहुत कोशिश की मुझसे बात करने की, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं था। और बाद में काम करते करते मैं अपने आप को ही कोसती रही। मैंने सोचा मेरा पति ऑफिस से थक हार कर घर पर आया है और मेरे पास दो घड़ी की फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, इन बच्चों के फरमाइशों का तो कोई अंत ही नहीं है, और फिर उनकी परवरिश में कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए ना। हमसे जितना हो सके हमें तो करना है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। देखो सपना, जिस तरह से तुम मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए परेशान रहती हो, मेरे लिए भी तुम और बच्चे इम्पोर्टेंट है। दिन भर बस तुम लोगों की चिंता लगी रहती है, लेकिन आज जब वो वाकया हुआ ना तो मैं बहुत खुश हुआ। दौड़ा दौड़ा घर पे आया, सोचा सबसे पहले ये खबर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पता है आज
आज ऑफिस से मैं जल्दी निकल आया था। बस स्टॉप से उतरकर जब मैं घर निकला तो अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। वैसे तो उस रास्ते से मैं रोज गुजरता हूं, पर उसे आज मैंने पहली बार उस जगह देखा। उसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि तुम सुन रही हो ना सपना। क्या बात है साहब, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार बात ही कुछ ऐसी, पता है कल क्या हुआ? कल मैं जब ऑफिस से गुजरा तो गली की नुक्कड़ पे एक मैडम आने वाली है, लंच टाइम में सुनाना कि बहुत काम करने हैं, चाय बनाने हैं और मैडम की टेबल पर आज का अखबार रखना है, बाद में बात करेंगे साहब। मुझे चाय तो पिला दे। आप तो काफी पीते हैं। क्या हालत बना रखी है मैंने, कोई मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? घर पे सपना के पास वक्त नहीं, यहाँ पर ऑफिस में किसी को नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं, लेकिन ये सब लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। आज कोई ध्यान मत देना, देख लूंगा सबको मैं। सब लोग बैठे हैं। क्या बात है मिस्टर राजेश, आज ऑफिस जल्दी आ गए इसलिए खुद पे गुस्सा हो रहे हैं? नहीं। क्या बड़बड़ा रहे, मुझे कोस रहे थे? नहीं मैम, वो मैं तो वो कल की बात याद करके। ऐसा क्या हुआ कल? नहीं कुछ नहीं मैम, कुछ खास नहीं। आप मेरे कैबिन में आए। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मरवा दिया ना, आज ये टाइम फिर लंबी है, कैसे लगता हूँ पता नहीं। अजीब नहीं मैम। कम इन, थैंक्स, बैठिए। अब बताइए आप वहाँ क्या बड़बड़ा रहे थे? हाँ नहीं कुछ खास नहीं। अगर यूं ही बड़बड़ा रहे थे तो उसे मैं पागलपन का सिम्टम कह सकती हूँ। नहीं वो मैं कल की बात याद करके थोड़ा। जाने दीजिए मैम, आप सुनेंगी तो हंस पड़ेंगी। मुझे तो आप काफी सीरियस लग रहे थे, आई एम श्योर कि हंसने वाली तो बात होगी नहीं। बताइए क्या है ना मैम, वो कल जब मैं ऑफिस से निकला तो बस यूं ही एक ज्योतिषी के पास गया था। फिर तो मुझे देखने के बाद तो उसने कहा कि सुबह से मैंने कई लोगों को देखा लेकिन आप में कुछ खास बात है। उसने कहा बहुत जल्द आपका सितारा चमकेगा, आपकी तकदीर खुलेगी, बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्या आपके कदम चूमेगी और सोशल वर्क में आपका बहुत बड़ा नाम होगा, आपके नाम से स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स खुलेंगी और फिर आगे चलकर मेरा पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम होगा। सॉरी, ऐसा उसने कहा कि आपका मतलब मेरा नाम होगा। इसमें शर्माने की क्या बात है, अगर उन्होंने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। और वैसे भी अगर ये सब सुन के मैं इतनी थ्रिल्ड हूँ, आपको तो जरूर खुशी होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी उस ज्योतिष ने कहा है सच हो। ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू कैन गो नाउ। यस, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.